अभी जो है मैं लिफ्ट में हूँ और बेबी को लेकर नीचे गई थी और दो बच्चे जो है ऑलरेडी नीचे खेल रहे हैं और मैं ये सब्जी लेके आई हूँ। आलू खत्म हो गया था, पालक भी खत्म हो गया था, तो इसलिए मैं लेके गई थी। और अभी जाऊंगी घर, हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से, तो बेबी जो है आज दूध नहीं पी रही है। 1 मिनट। तो फाइनली जो है मैं घर आ गई हूँ और आज जो है आज थर्सडे यानी गुरुवार, और आज उड़ीसा की एक बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल है जो कि राजो। तो जो अगर आप मेरे उड़िया व्यूअर्स हैं तो इस यू ए वेरी वेरी हैप्पी राजो टू ऑल, क्योंकि राजो एक ऐसा फेस्टिवल होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि बचपन में हम लोग बहुत अच्छे से वो सेलिब्रेट करते थे वो फेस्टिवल को। और ये जो फेस्टिवल है 3 डेज के लिए होता है और बहुत ही अच्छे से एक रूल रेगुलेशन होता है, जो कि बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे अच्छे स्वीट बनता है घर में, बहुत सारे नए कपड़े पहनते हैं, कुछ बाहर कुछ भी काम करने के लिए मना होता है, तो बहुत सारे इस तरह से रीति रिवाज है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं माना जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि और ओडिशा में जो है ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कुछ सब्जी लेके मैं आ गई हूँ और अभी जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और आज जो खाना बनेगा थोड़ी यम्मी टाइप कर से मैं बनाऊँगी, क्योंकि आज हम लोग दाल चावल कुछ भी नहीं खाएंगे। कहा जाता है कि जो रजो है इस तीन दिनों से हम लोग रात में चावल नहीं खाते हैं, दिन में खाते हैं रात में नहीं खाते हैं। और रात में इस तरह से पूरी पराठे या रोटी इस तरह से खा सकते हो, यानी कुछ टिफिन का आइटम आप खा सकते हो, तो आज मैं उस तरह से कुछ सोच के रखा है। तो जो कि लेडीज़ है वो सब चावल नहीं खाएंगे और जो जेंट्स है वो चावल खा सकते हैं, तो इस तरह से है। और बेबी जो है अभी थक गया आ गई है, तो मैं उसको जाऊंगी दूध पिलाने के लिए। और दूध जो है मैंने ऑलरेडी गर्म करके रख दिया था बोतल में, तो उसको सिर्फ देना है, क्योंकि वो जब नीचे जाती है ना तो दूध नहीं पी के जाती है, जब आती है तो उसको प्यास लग जाती है, तो इसलिए मैंने उसका जो रूटीन है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आने के बाद, खेल के आने के बाद वो दूध पीती है। सो, इस तरह से चल रहा है। और आज की मेरी जो एक वीडियो में मुझे एक आई थिंक ओडिशा के एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला कि तुम ये 2 चेन क्यों पहन रहे हो, एक एक को 15 डेज के लिए पहनो। इस तरह से नहीं, मैं एक ही पहनती थी, बट अभी जैसे कि सावित्री हुआ था, सावित्री जो पूजा होता था उसी पूजा में मैं मंगलसूत्र डाल देती थी, तो मुझे टाइम इस तरह से नहीं मिला, तो गले में है तो है और मैं उसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं पाती हूँ, और ये एक बड़ी है और एक छोटी है, तो इस तरह से अच्छा लगता है देखने के लिए भी। और अभी सासुमा लोग भी आए हुए हैं, तो इसलिए मैं जो है ये मंगलसूत्रों को नहीं निकाल रही हूँ, कभी टाइम मिलेगा तो निकाल दूंगी और चेन को पहन लूंगी। तो चलिए जल्दी से काम पे लग जाते हैं और मैं आपको थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ। तो फाइनली अभी डिनर का प्रिपरेशन चल रहा है और हम लोग तो दाल चावल नहीं खाएंगे, तो इसलिए हस्बैंड लोग के लिए मैं पराठे बनाऊंगी, यानी हस्बैंड और भाई और ब्रदर इन लॉ के लिए, और साथ ही साथ हमारे लिए बनाऊंगी आज उपमा। और उपमा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रेशर कुक हो रहा है चने और आलू का करी, मतलब चने आलू को मैं पहले बॉईल कर देती हूँ, फिर तड़का लगा के उसको करी बनाती हूँ, और उपमा के साथ ये करी बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारे ओडिशा की एक फेमस टिफिन आइटम है, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हो। और साथ ही साथ मैं बनाऊँगी पूरी,
तो कुछ यमी बनाने के लिए ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग भी है, इन लॉस भी है, तो रजों में हम लोग कुछ भी नहीं खाते, मीन्स दाल चावल कुछ भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ टिफ़िन आइटम बना लूँ, जैसे कि हम लोगों का पेट भी भरा हुआ रहे और खाने के लिए भी थोड़ा यमी लगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बालकनी में सासूमा बैठ के फ़ोन पे बात कर रहे थे। और उपमा बनाने के लिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ थोड़ा सा वेमोसली यानी सेवई डालने के लिए, और रावा और वेमोसली को मैं थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ, ऑयल डाल के नहीं, सिर्फ ही थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा सा ब्राउन कलर कर देती हूँ, तो उपमा का जो टेक्सचर होता है बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं होता है, थिन नहीं होता है, तो खाने के लिए भी अच्छा लगता है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है उपमा बनाने के लिए मैं कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों डाला है यानी मस्टर्ड सीड, उसके साथ डाला है थोड़ा सा उड़द दाल, और ये सब थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में बहुत सारे करी लीव्स डाल देती हूँ और बहुत सारे ग्रीन चिली भी डाल देती हूँ, 2-3 आप डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ बहुत सारे ओनियन, जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। पानी में पूरा हिसाब करके डालती हूँ, क्योंकि उपमा एक ऐसा चीज़ है, अगर आप ज़्यादा पानी डालते हो तो ये रनी टेक्सचर में आ जाता है और खाने के लिए भी मज़ा नहीं आता है। तो मैं जितना रावा लेती हूँ उसी को दोगुना में पानी डालती हूँ, यानी मैं यहाँ पर 1 कटोरी रावा लिया था तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ, और पानी जब थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो मैं इसमें रावा डाल देती हूँ, और रावा को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं सिम में 2 मिनट के लिए उसको पकाती हूँ और उसको ढक के छोड़ देती हूँ और गैस फ्लेम को बंद कर देती हूँ, तो ये जो उपमा है आप ऑटोमेटिक बन जाता है और इसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर लगी रही हूँ मैं कुकिंग में, और आटा मेरे पास ऑलरेडी गूंद के रखा हुआ था, तो मैं अभी जल्दी से पराठे और रोटी बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड आजकल पराठे नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उनके लिए रोटी बनाऊँगी और भाई के लिए पराठे बनाऊँगी। तो 7-8 रोटी बनाने के बाद मैं मेरे लिए करी बनाऊँगी, मीन्स हमारे लिए करी बनाऊँगी, तो देखते रहिए मैं किस तरह से करी बनाती हूँ। ऑलमोस्ट जो है मेरा कुकिंग ख़त्म हो चुकी है और अभी जो है मैं बना रही हूँ रोटी, और सबसे पीछे यहाँ पर फोन से बात कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट जो है करी हो गई है, मैं चने आलू का करी बनाऊंगी, तो चने आलू ऑलरेडी बॉयल हो गई है तो उसको तड़का लगा के करी बनाऊंगी, और बेबी के लिए अभी रोटी बना रही हूँ और फिर पराठे बनाऊंगी। तो ये सब ख़त्म होने के बाद हम दोनों जाएंगे नीचे, तो नीचे आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो जरूर देखूँगा। तो जल्दी से मेरा कुकिंग थोड़ा समय ख़त्म कर लेती हूँ। रोटी और पराठा हो गई है, फिर मैं बनाऊंगी अभी करी। तो करी जो है ये सिंपल तरीके से बनता है, जैसे कि आप रोज़ करी बनाते हैं, जो कि सिंपल मसाले होते हैं, ओनियन, टमाटर, जिंजर, गार्लिक पेस्ट, उस तरह से ही ये करी होता है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बन जाता है ये करी, बहुत ही जल्दी बन जाता है। और यहाँ पर जो है मैं ऑलरेडी जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटर, ओनियन सब कुछ थोड़ा सा डाल के फिर थोड़ी धीमी आंच पे इसको पका लूँगी, और टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए तो वो सारे मसाले को डाल दूँगी, जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, ये सब डाल दूँगी। और यहाँ पर जो है सिस्टर इन लॉ पे मुझे थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आलू और जो चने का हम लोग बॉयल किए थे प्रेशर कुकर में, वो आलू का छिलका निकालना था, तो वो सब मुझे दे रहे हैं अभी, तो थोड़ी बहुत हेल्प में मुझे आजकल हो जाता है, क्योंकि मैं घर पर अकेली थी और घर पर अकेली काम
करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है फिर बेबी के साथ। और बेबी जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गई है, मीन्स इधर उधर कहीं पे भी भाग जाती है, कहीं पे गिर जाती है, उसको चोट लग जाती है, तो इसको पूरा ध्यान देना पड़ता है। और इसकी वजह से मैं थोड़ा सा मेरा वीडियो को लेकर भी बहुत टेंशन में होती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होता है कि क्या किस तरह से मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि सारा ध्यान मेरा बेबी के ऊपर ही रहता है। और बट ट्राई करती हूँ हमेशा सोने के टाइम पर, जब मैं सो के उठती हूँ तो उसी टाइम पर मेरे माइंड में चला रहता है कि मैं आपको किस तरह से एंटरटेनमेंट करूँ, किस तरह से मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो दूँ। और करी अभी बन रहा है, और करी बनाने के टाइम पर मैं थोड़ा सा किचन को क्लीनिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि रात का टाइम किचन क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो कॉकरोच घर में आ जाएगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी हो, जो कि खाना अगर किचन में पड़ा रहता है तो आ जाता है। तो इसलिए मैं रात को हमेशा ट्राई करती हूँ कि किचन को क्लीन रखने के लिए। और करी बनाने के बाद मैं बनाऊँगी पूरी, तो पूरी और जो ये रावा उपमा की जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है मेरे डिनर रेडी हो गई है। हेलो एवरीवन, सो ऑलमोस्ट जो है रात के बज रहे हैं 12, और मैं अभी एक वीडियो को एडिट कर रही थी क्योंकि कल मुझे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी पोस्ट करना है, तो इसलिए एक वीडियो को एडिट किया। फिर सारे बर्तन वगैरह हम लोगों ने मिल के साफ़ किया, सिस्टर इन लॉ और मैं मिल के साफ़ किए, फिर किचन का सारा क्लीनिंग हो गई है। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर सोने के लिए, और मेरे आँखों में आप जो नींद है वो देख सकते हो, क्योंकि घर का सारा काम करने के बाद थोड़ी बहुत मैं आजकल थक जाती हूँ, पता नहीं क्यों। और घर जो है ऑलमोस्ट सेट हो गई है, तो जल्दी से जल्दी मैं आपको होम टूर भी कराऊंगी, साथ साथ मेरा किचन टूर भी कराऊंगी। किचन का टूर मैं इसलिए नहीं कर पाई हूँ क्योंकि जो मेरा गैस का सिलेंडर है वो बाहर ही है अभी, क्योंकि जो किचन का जो काउंटर के ऊपर कोई भी होल नहीं है, कुछ भी होल नहीं है गैस की पाइप जाने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। एक कारपेंटर को हमने ऑलरेडी बुला दिया है, तो वो आके जब होल करेगा तो अगले दिन ही मैं आपको किचन टूर करवाऊँगी। तो कुछ भी उससे भी मुझे पूछ रहे थे कि मैं गैस सिलेंडर को क्यों बाहर रखती हूँ, तो इसकी वजह से ही बाहर रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं कबर्ड में रखूँ तो कबर्ड का जो डोर है वो बंद नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं बाहर ही रखती हूँ। और थोड़ा बहुत सेफ बेबी से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि बेबी जाके भी गैस पाइप को कभी कभी खींच लेता है, तो अच्छे से जो है गैस की पाइप बंद करने के बाद उसको ऊपर थोड़ा सा मैं कुछ ढक देती हूँ ताकि बेबी जो है उसको हाथ नहीं लगा पाए। तो इस तरह से अभी जो है केयरफुली थोड़ा बहुत रह रही हूँ, और एक बार होल हो जाने के बाद कबर्ड के अंदर गैस सिलेंडर जो है चला जाएगा, फिर मेरा किचन जो है ऑलमोस्ट सेट हो जाएगा। तो इनलॉज जो है अभी 23 को आई थिंक जा रहे हैं, तो 23 के बाद मैं पूरा फ्री हो जाऊँगी, अभी थोड़ा बहुत काम में बिजी रह जाती हूँ, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, उनके साथ थोड़ा सा गप्पे मारती हूँ। तो इस तरह से अभी मस्ती का मेरा दिन चल रहा है, और वो जाने के बाद फिर से मेरा जो डेली रूटीन है वो फिर से स्टार्ट होगा। तो ये सब चल रहा है, और रेगुलरली मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट तो कर देती हूँ, बट थोड़ी बहुत मैंने एंड करने के लिए थोड़ी बहुत भूल जाती हूँ, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हूँ, तो इसलिए एंड करने को आप लोगों के साथ बात करने के लिए हिम्मत भी नहीं होता है। तो इसकी वजह से मेरा जो ब्लॉग का स्टाइल है थोड़ी बहुत अभी चेंज हो गई है। और कल है फ्राइडे, और कल जो है हमारा रज संक्रांति है, जो कि रज का एक मेन फेस्टिवल होता है, और रज जो है बहुत ही अच्छे से हम लोग उड़ीसा में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर जो है मेरे उड़ीसा के फ्रेंड हम लोग सोच रहे हैं कि सैटरडे या संडे को एक पार्टी रखेंगे, रज पार्टी, जो कि बहुत सारा स्वीट्स वगैरह बनेगा, फिर हम लोग मिलके एंजॉय करेंगे। तो ये सब चल रहा है, अगर कोई भी पार्टी वगैरह होता है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग का मैं एक बार ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी मेरे इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो प्लीज़ एक वीडियो के नीचे लाइक का बटन और एक कमेंट प्लीज़ मेरे लिए छोड़ देना, और आपको कमेंट पढ़ के मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, तो अगले दिन के लिए सोचने के लिए थोड़ा सा एनर्जी भी मिल जाती है। तो वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर देना,
तो फ्रेंड्स चलती हूँ मैं कल से, मेरा कल जो है मैं सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी कल, क्योंकि कल रजत संक्रांति है और हमारा दीदी का और मेरा कुछ अलग का प्लान है करने के लिए कल, तो देखते हैं कितना बहुत भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाते हूँ। तो मैं मिलती हूँ कल एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय, स्टे हैप्पी, गुड नाइट।